तो अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ अननोन कम हो जाए, आप ये कह रही हैं एक्स वाई जी और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ही पॉसिबिलिटी आप कह रही हैं। देखें, जब हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस पढ़ा है ना, ठीक है, उसमें ये चीज़ अलाउ ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं, ये चीज़ बेसिकली क्या बता रही है आपको, ये क्या बता रही है आपको? ये आपको बता रही है वेक्टर्स, ठीक है, या इसको यूं देख लें बेशक। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास वेक्टर 1 2 3, तीन वेक्टर्स हो, ठीक है, और अननोन आपके पास कितने हो जाएं, जो a1 a2 a3 वो a4 तक चले जाएं, क्या ऐसा हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन? क्या ऐसी चीज हमने कोई पढ़ी है? नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन में, कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो लेस हो जाएं किससे, नंबर ऑफ अननोन। सो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे इतने ही आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, या ये कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं आपके पास उतने ही नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। हाँ, वेक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड करता है, क्या वेक्टर 2 डायमेंशन है या 3, जो ठीक है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन। तो यूजली ये होता है कि ये हमेशा या तो इक्वल होंगे या ये लेस होंगे, ठीक है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, तो हम जो स्टोरी कर रहे थे अभी पढ़ रहे थे, उसमें ये था कि ब्लर हो जाता है, वो ये था कि द सेट v1 v2 एंड v3 स्पेन्स आर क्यू। स्पेन्स का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लेट कर लेते हैं कि v कौन सा है, ये लिखा हुआ है abc, कोई भी एक वेक्टर है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स लिखे थे ना v1 v2 v3, और कोई एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैं वी कह देता हूँ, ठीक है, क्या ये वी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं, इस चीज को हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखें जरा, आप लीनियर कॉम्बिनेशन लें किसका, ए टाइम ऑफ वी वन, बी टाइम ऑफ वी टू, सी टाइम ऑफ वी थ्री, तो ये क्या आ जाएगा, ए टाइम ऑफ वी वन क्या आ जाता है आपके पास 1 0 0, बी टाइम ऑफ 0 1 0 और सी टाइम ऑफ 0 0 1, तो ये क्या बनेगा आपके पास a 0 0 0 b 0 0 0 c, ठीक, इनको ऐड करें a b और c, क्या ये दोबारा v नहीं वेक्टर नहीं बनेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि v को हमने बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म, ठीक है, तो जो भी v वेक्टर होगा या तो गिवन होगा, या अगर आपने खुद जब चूज करना तो ऐसा चूज करना कि जब भी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो वही, ठीक है, इस चीज को याद रख लें। और एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो वेक्टर्स आ रहे होंगे ये यूजली लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, नेचर ऑफ वेक्टर्स क्या होगी, ज्यादातर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हो सकता है स्पेनिंग सेट ना हो। तो इससे रिलेटेड ही आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम वो ये कह रहे हैं कि एनी सेट ऑफ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन आर एन स्पेन्स आर एन, मतलब वी को कैपिटल, तो कह रहा है कि अगर एन आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेनिंग सेट बना, ठीक है,
तो ये तो तीन वेक्टर थे, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये लाजमी सी बात है कि ये स्पेन करेंगे किसके अंदर, कैपिटल वी के अंदर, ठीक है। जनरेट होंगे किसके साथ, किससे जनरेट होंगे, वी से जनरेट होंगे, ठीक है। तो जब है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा स्पेनिंग सेट जनरेट करते हैं। अच्छा ये कुछ थे कुछ टॉपिक्स के, और अब इसमें एक लास्ट जो चीज रह गई है वो है एक है डेफिनेशन। रॉस्किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि रियल वैल्यू फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये रियल वैल्यू है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, ठीक है, या ई रेस्ट पावर एक्स ई रेस्ट पावर टू एक्स, ये सारी की सारी क्या है, ये रियल वैल्यू, जितने भी फंक्शंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, सर कैमरा बहुत ब्लर है, अभी ब्लर है, सिर्फ आपके या सबके साथ है ये मसला? आपकी हो गई। तो सिर्फ नंबर के केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता, फंक्शंस के रियल फंक्शंस के केस में भी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो फंक्शंस की फॉर्म में होते हैं उसको चेक करने के लिए हम रॉस्किन यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है आपके पास, लेट वेक्टर्स या वेक्टर वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी इफ एफ वन ऑफ एक्स एफ टू ऑफ एक्स एफ एन ऑफ एक्स आर वेक्टर्स इन वी दैट आर डिफरेंशियबल एन माइनस वन टाइम्स, देन रॉस्किन को आप W के साथ शो करते हैं तो उसके इसमें रॉस्किन क्या होगा, एफ वन ऑफ एक्स एफ टू ऑफ एक्स सो ऑन एफ एन ऑफ एक्स। तो एफ वन का फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ वन का सेकेंड डेरिवेटिव, एफ वन का एन माइनस वन डेरिवेटिव, जितने फंक्शन है ना एन फंक्शन है तो एन माइनस वन डेरिवेटिव हो जाता है। टू का भी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, टू का भी आपने सेकेंड डेरिवेटिव लिया, और कहाँ तक आपने जाना है, टू के एन माइनस वन डेरिवेटिव, एफ एन का फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ एन का सेकेंड डेरिवेटिव, एफ एन का एन माइनस वन डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड रॉस्किन, ठीक है। और अगर रॉस्किन जीरो आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और रॉस्किन नॉन जीरो आ जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, याद रहेगा ये। रॉस्किन कैसे कैलकुलेट करना है रियल वैल्यू फंक्शंस के लिए, और रॉस्किन कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जाम्पल ये है आपके पास के
or the functions number one, x, x square minus one, x square plus two x plus one, e raised to power x, e raised to power two x, e raised to power three x. Are linearly independent or linearly dependent. ठीक है बच्चों, ये चीज हम चेक करने जा रहे हैं, ये linearly independent है या linearly dependent. ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है. पहला अगर मैं पार्ट करूँ इसमें, हम इसका रॉस्कियन कैलकुलेट, रियल वैल्यू फंक्शन है ना सारे के सारे, हम इसका रॉस्कियन कैलकुलेट कर लेते हैं. रॉस्कियन में क्या कहा था हमने, फंक्शन, ठीक है, कितने फंक्शंस है, तीन फंक्शंस है, तो तीनों का, तीन फंक्शन है तो दो दो बार डेरिवेटिव, दो तक डेरिवेटिव लेना. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम, इसका वन आता है, और वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और टू एक्स का टू, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और टू एक्स का टू एक्स प्लस टू का क्या आएगा डेरिवेटिव. अब इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के दरमियान में कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, वो उठा के इधर पुट करें. फॉर एग्जाम्पल मैं जीरो रख लेता हूँ, तो ये जीरो वन जीरो माइनस वन जीरो टू वन टू, ठीक है, तो इसका जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया आपने तो क्या आ रहा है, वो फोर, दैट इज नॉट जीरो. तो हम क्या कहेंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है. नहीं, इस तरीके से ये इस प्रॉब्लम को, इसमें भी आप जीरो, किसी में भी जीरो पुट कर सकते हैं, वन पुट कर सकते हैं, टू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है. तो इससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज 5.3 करनी है, पेज नंबर 136 के ऊपर, ये आपका होमवर्क. कर सकते हैं या नहीं, ठीक है बच्चों, तो यही आपका आज तक का टॉपिक था. सर ये लास्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेना है, सर ये जो लास्ट स्टेप जैसे इसमें डेरिवेटिव लेना है जीरो पुट करने के बाद, नहीं पहले डेरिवेटिव लेना है फिर जीरो पुट करना. ये पहले डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स टू स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव टू एक्स, फिर टू एक्स का टू, तीन फंक्शन आ रहे हैं ना, एफ वन ऑफ एक्स, टू एफ एक्स, एफ थ्री ऑफ एक्स, तो दो दो बार डेरिवेटिव लेना है. अभी मैंने पिछले लास्ट पेज के ऊपर मैंने स्टेटमेंट बताई है आपको, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है बच्चों. हाँ जी, पूछते हैं कुछ, सर समझ आ गई. तो आप लोगों ने मिड तक ये वाला तैयार करना, यहाँ तक आज तक जितना करवाया, ठीक है ना. फिर एक कुछ जरूर एक असाइनमेंट में इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा, आज या कल जब भी करनी, तो वो आप लोगों ने लाजमी करना, मैं टाइम बता दूंगा उसको, आप सॉल्व कर लीजिएगा. अगला वीक पूरा ही फ्री है, आप तो किसी वक्त भी कर सकते हैं. पेपर आप लोगों का शायद बन गया हो, मैंने तो जो बनाया वो एक और टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, क्या नाम है अपना, दानिश, वो उन्होंने बना दिया. मैंने कहा ठीक है, अगर आपने बना दिया तो सर पेपर लीक करते हैं आप.